सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। तो अभी मैं देने वाला हूँ SSC CGL का PYQ मॉक, जो कि 5 दिसंबर शिफ्ट सेकंड में हुआ था। और साथ में मैंने यहाँ पे वेबकैम लगा लिया है। एक्चुअली एक भाई ने मेल किया था कि वो बोल रहे थे कि आप एक वीडियो बना लिया करो, अपनी कैलकुलेशन यहाँ करते हो, तो उससे उनको ये रहेगा, अप्रोच पता लग जाएगी। और अगर मेरी अप्रोच थोड़ी, मतलब मेरी अप्रोच आपसे थोड़ी कम है और आपकी बेहतर है, तो आप मुझे भी सजेस्ट कर देना कि कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन वो वाला, ताकि मैं भी आगे अपना इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, ऐसा नहीं, यही फॉलो करना है। और मैंने ना बॉटल के ऊपर रखा है, तो अगर हिल जाता है, गिर जाता है, तो थोड़ा देख लेना, ठीक है। और पहले मैं अपना पैटर्न बता देता हूँ। मैं पहले रीजनिंग करता हूँ, फिर अपना इंग्लिश, फिर GS, फिर मैथ्स। आप कुछ और भी कर सकते हो। पहले मैं जर्म से करता था GS, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, बट उसमें मैं पूरे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाता था, बट अब मैं पूरे पढ़ लेता हूँ आराम से। मुझे अभिषेक भाई ने बताया था, वो काफ़ी हेल्प करता है, आप भी देख लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट मैं, और बाद में स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। डिक्शनरी डिक्शनरी डिक्शनरी, तो ये तो डिक्शनरी क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे ही हो जाएगा। 3131 3 और 1 से देख लो, A A C U R R पहले आएगा, तो 313 पहले आएगा, 3131 3, इन दोनों में से कोई 5 4 और 2 में देख लो कौन सा पहले आ रहा है। 4 और 2 SRST, हाँ तो ये वाला पहले आएगा, 2 2। ठीक है, हो गया आराम से। ये बोल रहा है AN, तो इसमें रहता है आपको ना, जो बॉय मतलब मेल हो उसके लिए आप ऐसे करके ये बना लो, स्क्वायर बना लो, और अगर फीमेल है तो आप एक करके अपना सर्कल कर दो, ठीक है। और अगर कपल है तो सिंगल, उससे अगर मतलब कज़न वो सिबलिंग्स वगैरह हैं तो डबल कर देना, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। आप पूछ रहा है A is B, तो ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ठीक है। अब बी बी इज़ द फादर ऑफ सी, सी एंड डी, सी इज़ द वाइफ ऑफ डी, डी एट द रेट एफ, डी इज द सन ऑफ ई, इज द हजबेंड ऑफ एफ, ठीक है, एफ प्लस जी, एफ इज द मदर ऑफ जी, तो ये दोनों भाई हो गए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ डी इज रिलेटेड टू जी, अरे यार ब्रदर हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। सर डब्लू, ये वो है मिरर वाला, तो डब्लू का उल्टा ये हो गया, 7 का उल्टा ये हो गया, एफ का उल्टा ये हो गया, 5 का उल्टा ये हो गया, टी का उल्टा ये हो गया, और पहला ही हो जाएगा, ठीक है। देखो ये उल्टा है, ऊपर चला जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें आपका एफ उल्टा हो गया, मतलब अपसाइड डाउन हो गया एकदम, ठीक है। यहाँ भी उल्टा, तो यही ऑप्शन हो सकता है। वी काइट, ये ऐसे करा, ऐसे करा, अब इसको खोल दो ऊपर, ये ट्राइंगल उल्टा हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता, ये हो नहीं सकता, तो यही वाला ऑप्शन है। देखो सिंपल, ये उल्टा हो जाएगा ना ऊपर जाके, तो यही ऑप्शन रहेगा। 729, ये क्यूब लग रहा है, हाँ, 3 3 3 9, देखो 27 27 3 3 7 91 81 हो जाएगा, 3 का वो चल रहा है, स्क्वायर क्यूब ऐसे चल रहा है। ऑक्सीजन ओ का अपना कितना हो गया, 15 24 25 7 5 14, ये कितना हो जा रहा है, 17 26 1 9 7 और 16 15 16 नहीं, ये नहीं हो रहा है, 15 12 32 15 2 17 24, 2 2 बढ़ रहा है, ठीक है ना, 2 2 बढ़ रहा है, तो हम बढ़ा लेंगे 2 2। अब डी ई एफ हो जाएगा, ओ पी क्यू हो जाएगा, सी डी ई हो जाएगा, टी यू वी हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, और एस टी हो जाएगा, एफ क्यू ई वी क्यू टी, एफ क्यू ई वी क्यू टी, ये हो गया, ठीक, थर्ड वाला। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक छोड़ के जा रहा है, एक छोड़ के एक भाग रहा है, तो यहाँ छोड़ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए ट्राइंगल, नहीं नहीं देखो ये ट्राइंगल है, एक छोड़ा यहाँ आ गया, अच्छा ये भी तो घूम रहा है साथ में, तो यहाँ एक छोड़ के यहाँ आना चाहिए इसको, तो यही वाला लग रहा है, इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 12th पे कोई है या नहीं है, फिर 12th पे फिर कोई नहीं है, तो यहाँ कोई नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई है, सिंपल, इसमें तो कोई आएगा नहीं, ठीक है, ये 12th पे ही खड़ा है, तो ये नहीं होगा। और ये ट्राइंगल, ट्राइंगल इन दोनों में से कोई हो सकता है पक्का। अब ये देख लो ट्राइंगल हो गया, और ट्राइंगल के आगे वो चल रहा है एक क्यूब, मतलब स्क्वायर, सॉरी, तो यहाँ सर्कल ये वाला आ जाएगा आंसर, सिंपल। 5 5 25, नहीं नहीं, हाँ 25 5 30 16 32 34 25 5 30, 6 6 12 12, हाँ तो इस प्लस हो जा रहा है, सॉरी सिंपल है, तो 25 5 30, नहीं ये नहीं होगा, 81 9 नहीं होगा,
नौ दस का नहीं होगा, 13 9 3 12 ग्यारह हासिल, ये वाला हो जाएगा, प्लस हो रहा है, ठीक है सिंपल। अब इंटरचेंज कर देंगे 7 और 4 को, तो 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3, 3 3 9 9 3 12 पहले ही हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो रहा है देखो, 7 माइनस 4 अब करोगे तो कितना बचेगा आपका 3, प्लस 6 को डिवाइड करोगे 2 से 3 बचेगा इंटू 3, तो 3 3 9 9 3 12, हाँ 9 3 12, ठीक है, यही हो जाएगा पहला। अब पूछ रहा है कैसे लॉजिक हो सकता है, 12 12 12 चौक 48 प्लस 2 नहीं होगा, 8 चौक 32, 32 4 12 चौक 48, तो 8 चौक 32, 32 4 36, 10 चौक 40, 4 36 18 चौक 72, 72 हाँ, तो ये वाला नहीं है इसमें देखो, 12 12 पंजे वो 12 चौक 48 प्लस 2 आ रहा है यहाँ पे, बाकी सब में 4 4 प्लस हो रहा है, 8 चौक 32, 32 प्लस 4 36, 10 चौक 40, 40 प्लस 4 44, 18 चौक 72, 72 प्लस 4 76, ठीक है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, मतलब 729, 3 का कुछ होता है, मतलब 9 का क्यूब होता है, वैसे तो 9 का क्यूब होता है, और 72 तो 9, 9 का क्यूब ये हो गया, 9 इंटू 9 रहता है, 90 दे रखा है, 90 ये 512, 7 का क्यूब रहता है, नहीं 512 थोड़ी, 512 किसका होता है, 864, 864 512 होता है, 8 का क्यूब, 8 नियम 72, 9 57 90, 8 नियम 72, तो 8 का क्यूब हो रहा है 9 57, हाँ तो 9 इंटू 10, और जो पहले वाला है उसका क्यूब कर देंगे, तो 8 इंटू नियम 72 छोटा वाला है उसका क्यूब कर दिया, तो 56, 8 से 56 होता है 7, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, ठीक है, ये आंसर आ सकता है मे बी, मुझे तो ये लग रहा है। स्टार एस, एस कितना को होता है 19 पे, 19 का 9 हो जा रहा है, देखते हैं क्या रहता है, स्टार 19 20 1 18 इसका क्या हो जा रहा है 9 26 है, क्या है 26 ही होगा आई थिंक, 26 7 8 19 9 9 18 28 6 बढ़ रहा है यहाँ, कितना 6 नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे, तो 19 8 ये क्या रह रहा है, स्टार फ्लैग कुछ तो सीन है, 26 27 माइनस 19 19 8 या 8 होना चाहिए, तो हाँ अच्छा 27 में 8 हो गया 27, हाँ ठीक है ठीक है, ये चल रहा है देखो, ये चल रहा है आपका कि 27 में से 19 के बचे 8, 27 में से 20 के बचे 7, 27 में से 26, 27 में 18 के 9, ऐसे मिल रहा है, ठीक है। तो L 12 15 7 15, 27 में से 12 गए 15, ये आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है ना, सिंपल है। 72 विषम इंटरचेंज करना है अपना को, तो अपना रहेगा 72 126 को अपना इंटरचेंज करते हैं, अगर 72 72 कटेगा नहीं देखो 14 से ना, नहीं कट जाएगा या फिर नहीं कटेगा ना 14 से, 72 तो नहीं करना चाहिए वो, तो क्योंकि डिवाइड में है तो नहीं कटेगा, तो वो करना ही नहीं है। 7 4 को कर सकते हैं अपना 7, देखते हैं करके, 72 प्लस 32 माइनस 14 नहीं है 126 माइनस 749, ठीक है, कितना आया था 72 आया था ना, 2 2 4 7 3 10 माइनस 49 9 58, 14 में से 8 का बचे 6 46, तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है, ये तो नहीं हो रहा, 8 चार करके देखते हैं एक बार, 72 प्लस 7 चौक 28 माइनस नियम माइनस कितना है 864, ये भी नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि ये तो और ही कम हो जाएगा, ये भी नहीं लग रहा है, लास्ट वही लग रहा है आई थिंक, 72 प्लस 32 112 माइनस 9 माइनस 4 चौक 16, ये भी हाँ ये हो सकता है, माइनस 16 9 25, नहीं नहीं ये भी नहीं लग रहा है कि 16 9, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अंदर वो कहाँ से आ गया, 9 कहाँ से आ गया अंदर, 72 प्लस 28 72 प्लस 112 माइनस यहाँ अंदर 7 आ जाएगा, 7 एकम 7 8 56 माइनस 4 चौक 16, ये होगा ना 84 माइनस
30 तो यही हो रहा है, ठीक है, लास्ट वाला है, पता था लेकिन फिर भी मैं मतलब एक मैच कर रहा था। 17 17 दूनी 34 चौंतीस 12 इधर आ गए, 17 17 119 119 एकदम 17 से कट रहा है, ठीक है, पूरा कट रहा है 17 से, तो 11 से काटना है हमें। 5 6 7 7 8 4 3 7 6 7, तो ये कट सकता है, ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, देखना कैसे कट रहा है। 17 तो ये कितने पर आ रहा है, 17 17 17 34 34 12 17 119 17 271 271 रह रहा है, 23 116 5 1 5 23 5 3 15 5 2 11 5 एक इधर आए 5 55 यही लग रहा है मुझे तो। 23 5 15 बचे कितने, 1 चलो रो में 116 15 23 23 5 115 बने तरह रहेगा ना, ये रहेगा 505 आ रहा है, 3 2 5 11 से कैसे कट रहे हैं, 11 3 33 133 9 11 109। अब दिक्कत लग रही, बाद में करता हूँ इसको, छोड़ो। मतलब पता तो इन दोनों में से कोई है कि मत, पता नहीं कौन सा है, ए ए बी आर आर ई एफ ए ए, मतलब पहला वाला आपको एक आगे बढ़ाना, बी सेकेंड वाला छोड़ देना ऐसे ही, बी सी ए का ए, बी सी वाई का वाई, ठीक है, तो जी का एच ओ एम डी, एच ओ एम डी आ रहा है, ठीक है। ऑल कलर्स, ऑल कलर आर स्मॉल, ये कलर है, सारे कलर स्मॉल हैं, नो स्मॉल, कोई भी स्मॉल बिग नहीं है, तो बिग अलग बना लो सिंपल, ठीक है। तो आप इसमें पूछ रहे हैं ऑल स्मॉल आर कलर, नहीं, सम स्मॉल आर कलर, ठीक है, ऑल बिग आर कलर, नो, तो ओनली सेकेंड फॉलोज, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, ठीक है, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ जीरो थ्री वे फॉलोइंग, तो जेड 26 23 कहीं साफ पिच पे दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है आपको, देख लेना आप यार अपना, 26 23 19 17 3 2 ये गलत लग रहा है, 2 बड़ा 4 बड़ा 3 बड़ा ये गलत लग रहा है, पता नहीं मुझे क्यों, 20 18 14 12 16 14 10 8 10 8 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2, ये वाला गलत है, फर्स्ट वाला गलत है। एस टी इसी बंद कर दो यार, 20 13 20 26 15 2 6 2 और 8 बढ़ रहा है ना, 6 17 10 अच्छा देखो इधर 6 बढ़ रहा है, 2 8 6 2 8 बढ़ रहा है, तो L L कितने पाता है, 12 12 6 18 18 पर कितना हो जाएगा R, और S U हो जाएगा R U, ये वाला आंसर है, W X Y Z वो उल्टा चल रहा है, Q R S T U V W O O P Q O आ जाएगा, O वाला, ठीक है, इन दोनों में से कोई है, नहीं देखो अपना चल रहा है, H I J K L M N F G F आ जाएगा, O F, ठीक है ना, सिंपल है। ऑल बुक्स आर पेंसिल, ऑल बुक्स आर पेंसिल, सम पेंसिल आर पेन, ऑल पेन आर इरेजर, सम इरेजर्स आर पेंसिल, ठीक है, नहीं नहीं पेंसिल ही वाला, ही वाला है, हाँ ठीक है ठीक है, सम इरेजर आर पेंसिल, ठीक है, पहला ऑल पेन्स आर बुक, नहीं नहीं हो सकता, सम इरेजर आर पेन्स, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो हो रहा है भाई,
FAB फिर से हुआ आ गया। देखते हैं पहले में क्या बनना, क्या पूछा है इसने। पी इज़ द मदर ऑफ आर, पी इज़ द मदर ऑफ आर, पी प्लस ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, और माइनस में क्या रहा है, तो ये तो नहीं होगा पहला वाला। ए इज़ द मदर ऑफ बी, पी इज़ द मदर ऑफ क्यू, और प्लस में क्या आ रहा है, हाँ तो ये बन रहा है आई थिंक, सेकेंड वाला बन रहा है। देखो पी डिवाइड बाई क्यू, तो पी इज़ द मदर ऑफ क्यू, क्यू प्लस आर, क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ आर, तो ये बन रहा है पी इज़ द मदर ऑफ आर, तो सेकेंड वाला बन रहा है, ठीक है ना। सम फिगर, इसको अपना कितना शिफ्ट हो जा रहा है, 90 डिग्री घूम जा रहा है, 90 डिग्री यहाँ पर आएगा इस वाले में, ये नहीं है, ये तीनों में से कोई है, इधर है, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, फिर उल्टा हो जाएगा, अब ये ऊपर आएगा, ठीक है ना, ये ऊपर आएगी चीज़, इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, इसमें नीचे, तो इन दोनों में से कोई है। अब देखो इसमें फ़र्क है इन दोनों में, ठीक है, तो निकाल दो कहाँ फ़र्क है इन दोनों में। ये अपना इधर गया, इधर गया, ये ऊपर आएगा, तो ये वाला आंसर देखो, इसमें इधर है लेफ्ट में, फिर नीचे आ गया, फिर राइट में गया, फिर ऊपर आ जाएगा, ये वाला है। रेस ट्रैक, रेस ट्रैक पे रेस होती है, स्टेडियम में एथलेटिक, व्हील पे कार नहीं, कोर्ट में रेसलिंग, कोर्ट्स में एक्सरसाइज, व्हील पर कार्ट होता है ना, आई थिंक यही होगा, स्टेडियम में एथलेटिक्स, वही कन्फ्यूजन है। देखो ट्रैक एंड ट्रैक पे रेस होती है, कोर्ट में रेसलिंग नहीं, कोर्ट, अब कौन सा कोर्ट है यार ये, कोर्ट में रेसलिंग हो भी सकती है, कोर्ट्स में एक्सरसाइज नहीं होती, स्टेडियम में एथलेटिक्स, यही लग रहा है, छोड़ो कोर्ट, अगर वो वाला कोर्ट है, देखा दंगल वगैरह में कोर्ट होता है ना, वहाँ सकता है आई थिंक, लेकिन रेसलिंग तो उसमें होता है, अरीना बोलते हैं ना उसको शायद, रेसलिंग छोड़ो इसको, बाद में देखता हूँ। ये कहाँ पे हो रहा है, ये इधर गया, इधर गया, ये तो नहीं बन रहा है, इसमें बन रहा है, देखो ये गया, नीचे आया, ये गया, ये बना, और ये आया, ये बन रहा है, ठीक है। बाई इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइन, आई कर लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा यार, ठीक है। इसको इसको चेंज करना है, तो अपना 6 3, 6 3 18, नहीं 3 को भी वो करना है चेंज अपने को, तो 6 1 6 माइनस 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 2 4, 6 7 8, 3 5 पहला बन रहा है, ठीक है, हो गया पहला, नॉट करेक्ट, ओ अभी गलत कर देता मैं, देखो जल्दीबाजी में ही होता, तो 4 को डिवाइड करेंगे 1 से 4, माइनस 3 प्लस 8 इंटू 2 8 2 16, 16 प्लस 4, सो 20, 20 में 3 का बचे, ये गलत लग रहा है मुझे, तो उसे देखता हूँ, 5 माइनस 8 डिवाइड बाय 1 तो हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 3, 9 3 27, 27 5, 32, 32 में से 8 गया बच्चे, 24, ठीक है, जाने भी ठीक है, 6 प्लस 4 माइनस 9 डिवाइड बाय 3 वो 1 इंटू 3, 9 3 27, माइनस का 6 4 10 17, तो ये वाला गलत है सेकंड वाला, ठीक है। ये पता नहीं मैं इंग्लिश का पढ़ता हूँ, माय पेरेंट्स हैव बुक्ड, पैसिव वॉइस बनाना, हैव बुक्ड है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाओगे, नहीं पैसिव वॉइस है, सॉरी पैसिव वॉइस तो सिंपल इसी में रहता है, मतलब इसी टेंस में रहेगा, बट एक पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है। हैव बुक्ड है ना, मेनी गेटवे हैज़ बीन बुक्ड, ये आ जाएगा, देखो हैव, हैव का हैज़ हो गया, अब मेनी गेटवे हो गया ना, यहाँ पेरेंट्स है प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल वो आएगा, यहाँ सिंगल है तो सिंगुलर आएगा, और बीन का पास्ट फॉर्म हो गया, मतलब क्या नाम, पास्ट पार्टिसिपल, और बुक का बुक्ड रहा, यहाँ गया, सही है सिंपल। देर आर सम मंकीज ऑन द रूफ ऑफ द कैरिज बट मधव डिड नॉट सी देम, देर आर सम मंकीज ऑन द रूफ, सम मंकीज, क्या हो सकता है इसमें यार, बाद में देखूंगा, मटू को कहाँ गया क्वेश्चन, सब मंकीज हैं बट माधव ने नहीं देखा था, ठीक है क्वेश्चन बना, ऑफ द वर्ड अमेंड, अमेंड करना, रेक्टिफाई, ठीक है ना, ये आता है इसका। रीता विल नेवर हैव चेंज हर जॉब इफ शी वुड हैव बीन प्रोमोटेड, वुड नेवर, रीता वुड नेवर हैव, क्योंकि यहाँ देखो ना वुड हैव बीन प्रोमोटेड आ गया ना, लेकिन हो जा, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी,
थीटा चेंज इन जॉब शी वुड हैव बीन, हाँ ठीक है वुड नेवर हैव आ जाएगा, दश वुड नेवर हैव चेंज्ड, हाँ स्पेसिफिक में सुधीर हैरेसमेंट इज नॉट ओनली परसीव, हाँ परसीवेबल लग रहा है, ये गलत लग रहा है मुझे, परसीवेबल ह्यूमरस ठीक है, हैरेसमेंट ठीक है, कलीग ठीक है, ये गलत लग रहा है। द ट्रेनी वॉन्टेड टू नो द इन्स एंड आउट ऑफ द कोर्स टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब, इन्स एंड आउट, आउट्स एंड इन मतलब वो होता है ना ओकेजनली होता है इसका मतलब, तो बर्ड्स आई व्यू ऊपर से व्यू रहता है, क्राइंग नीड टॉल टॉक, बर्ड्स आई व्यू लग रहा है मुझे इसका तो, आई थिंक दिस ड्रामा इज एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव अबाउट लाइफ इन रोमल टाइप, अरुण एंड हिज वाइफ वर ब्लेस्ड, इम्पीड सिनोनियम इंटेंड प्रॉम्प्ट रेस्पाइट हिंडर इंटेंड, पता नहीं इसका भाई, मैं सिंपल बोल रहा हूँ इनकरेक्टली, इसमें वार्डन पुलिस मैन, ओह माय गॉड क्या दे दिया है तो, द ऑडियंस वॉज मेसमराइज्ड बाय द स्पीच डिलीवर बाय द विवेशियस लेडी, विवेशियस मतलब बहुत अच्छी प्रॉस्पेरस होगा, एनर्जेटिक भी हो सकता है आई थिंक, प्रॉस्पेरस ही होगा आई थिंक, मतलब बहुत पढ़ाकू जो भी है, द गेट वॉज ओपन बाय द पियोन, द पियोन ओपन द गेट, क्योंकि ना पैदो यहाँ पर ना पास्ट फॉर्म में ना, ये तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया अपना, ये वॉज देखो उसमें ये सिंपल ना अपना, मतलब पास्ट में ना वॉज, तो द पियोन ओपन द गेट सिंपल आ गया, दे आर कौन, देयर कॉस्ट क्लाइमेट एडवाइजर एंटिसिपेट द मोस्ट होम्स इन फ्यूचर विल बी वार्म बाय हीट पंप्स, These devices extract warmth from the air on the ground or the ground or from water a bit like a fridge operating in reverse. They are on the market already but they are costly. Their cost depend on the sort you install and the size of your home. पहले तो ऐसा आएगा सिंपल Q या R climate advisor anticipate that most homes in future will be warmed by heat pumps. R आएगा I think. पहले device के बारे में बताएंगे फिर बताएंगे ना, मतलब वो है The art history teacher was sacked after she were कैसे आ गया भाई, she was art history teacher was sacked after she were thought taking school supply, she was caught आएगा ना यहाँ पे, she was caught क्योंकि supply निकाली तो उसके बाद उसे निकाल दिया गया इसलिए, lightning has PRQP इन तीनों में से कोई है, लाइटनिंग हैज बिकम ह्यूमन सेंट्रिक एज अवर रिक्वायरमेंट्स चेंज ड्यूरिंग द डे एंड लाइटनिंग हैज टू अडेप्ट टू अवर चेंज इन नीड्स टू बिकम अ डिसरप्टर एंड रिक्वायरमेंट, नहीं ये तो लाइटनिंग हैज टू बिकम अ डिसरप्टर एंड बिकम ह्यूमन सेंट्रिक एज अवर रिक्वायरमेंट्स चेंज ड्यूरिंग द डे एंड लाइटनिंग हैज टू अडेप्ट टू अवर चेंज इज नीड, क्योंकि वार एस सी भी हो सकता है, लाइटनिंग हैज become human centric as our requirements change during the day and कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, lightning has to become a disruptor and पी क्यू आर एस आई थिंक यही है, देख लेते हैं मर्सी क्लेमेंसी आई थिंक सो, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ बैड थिंग हुआ, एब्ल्यूशन तो वो होता है ना, मतलब कुछ ज़्यादा वो अपने ख़राब हुए हैं आई थिंक, पक्का नहीं पता मुझे बट यही लग रहा है मुझे तो, आर्यन सेड टू मी आई न्यू वेयर टू फाइंड हिम, यू नो यह फास्ट फॉर्म में है तो सिंपल फास्ट में सिंपल प्रेजेंट में ही जाएगा तो यू नो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पहले ही, आई नो शी रियली वॉन्ट्स टू प्रमोशन बट शी रियली हिट मी बिलो द हैंड बाय टेलिंग द बॉस अबाउट माय पर्सनल प्रॉब्लम, आई नो शी वॉन्ट्स हिट मी बिलो द बेल्ट, आई थिंक हिट मी बिलो द बेल्ट, इसका मुझे आइडिया नहीं क्या यार,
हिट मी विद ब्रिक्स, हिट मी बिलो द हैंड, हिट मी बिलो द बेल्ट, आई थिंक यही है। देखते ही विल मेक मिस्टेक्स बट ही विल लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स, ही विल लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स। और डियर पेरेंट्स, वंस यू पुट द मनी इन योर चिल्ड्रंस लिटिल पॉकेट, फॉरगेट ऑल अबाउट इट ऑन इट, ये क्या दिक्कत है इसमें लग रही है। ही विल मेक मिस्टेक्स बट ही विल लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स। सो डियर पेरेंट्स, वंस यू पुट द मनी इन योर चिल्ड्रंस लिटिल पॉकेट्स, फॉरगेट ऑल अबाउट इट, मुझे तो यही लग रहा है। देख, ही विल मेक मिस्टेक्स बट पता नहीं, यही लग रहा है मुझे तो। देखते हैं, वुमेन वन देयर प्रेजेंट स्टेटस थ्रू स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस रेदर देन थ्रू मेंस काइंडनेस, वुमेन एंड देयर सपोर्टर have fought and in some places continue to fight for the same rights as men. Laws were made to replace local custom which denigrated and suppressed women's rights. Women have gained higher position in the world at all levels, political, economic, government, but in reality women still suffer from discrimination at various levels. For example, women work more and earn less than men. In addition to that, the majority of the world poor and illiterate are women. The road to real इक्वेलिटी इज स्टिल लॉन्ग, ये हो सकता है आई थिंक, जी एस करता हूँ। ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू एमआरएनए इज नोन एज, पता नहीं, पॉलीपेप्टाइड आई थिंक, कैलोचरन, पता नहीं भाई। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कंट्री विद इन 25 से 28, ये आई थिंक 1922 तो नहीं, 25 से 28 ही है, 19 कहाँ हो जाएगा, इतना पहले थोड़ी है। रिलीजस तो लास्ट में ही आता है ना। अरे हो ना क्लिक, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है इसमें से कोई। वेल द कस्टम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, ये तो सेम ही है यार, जीएसटी और ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, कस्टम टेर ये वाला हो जाएगा, इनकम टैक्स। विच अंडर विच स्कीम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इनॉग्रेटेड उम्मीद मार्केट प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर, स्टैंड अप इंडिया कुसुम अफसर स्कीम, उज्ज्वला लग रहा है आई थिंक, उज्ज्वला कुसुम या उज्ज्वला, छोड़ो इसको। द बर्ड लाइक फेजेंट एंड मोनल्स आर फाउंड इन विच टाइप, पता नहीं भाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया, 1854 54, भूल गया यार, पता नहीं 52 था 54 था, लगा दे रहा हूँ, देखता हूँ। द फॉलोइंग डांस फ्रॉम इज मैंशन इन द एंशियंट टेक्स्ट ऑफ उड़ीसी, सतरिया, पता नहीं, लगा दे रहा हूँ, नहीं गलत ही लग रहा मुझे तो, चलो देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कोलाम्ब, इन सेप्टेम्बर द सुप्रीम कोर्ट अलाउड ऑल वुमेन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर टू सेटल लीगली अबाउट द चाइल्ड टेल, पता नहीं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजैक्टेड इन हिंदी और इंग्लिश, 121 बैटल ऑफ पानीपत, 1526 बाबर एंड इब्राहिम लोधी, ओ ये हाईएस्ट टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ द स्टेट केरला। द एज रेंज फॉर द विच यस बॉस कैटेगरीज, 1718, पता नहीं। हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग इन द नॉर्थन प्लेन इन इंडिया आर नोन एज, हॉट ड्राई, लू, लू चलती ना, ये लग रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज लोकरांग, लोकरांग गुजरात, झारखंड, लोकरांग राजस्थान, ऑफ झारखंड। फॉलोइंग पीरियड कैटल हायोक वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फेमस साइट, कंपनी रिक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम विच रूलर, किंग जॉर्ज वन, जेम्स, क्वीन विक्टोरिया, 1600 किंग जेम्स था, इम्परफेक्ट, 1600, हाँ यही था आई थिंक, किंग जेम्स, विक्टोरिया थी क्या, विक्टोरिया थी, ऊपर वाले दोनों तो नहीं है, तो पक्का पता है मुझे, विक्टोरिया नहीं था तो जेम्स ने, जेम्स नहीं दिया होगा आई थिंक। इम्परफेक्ट इज एन ऑटोबायोग्राफ, इम्परफेक्ट परफेक्ट नहीं हो सकता, राहुल ड्राइविड ही होगा शायद, छोड़ो इसको। सीट से ज़्यादा सूर्य ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, राइस, वीट, दोनों ही हो सकते हैं। इन टेनिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर इज कंप्लीट सेट, 6x6,
आइडेंटिफाई प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, पेप्सिन, कोलेजन, अमाइलेस, लाइपेज। बायो इतनी आ जाती है, केमिस्ट्री बायो। फर्स्ट स्टेट नंबली टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान सप्लीकेशन प्रोग्राम टू बिकम पेपरलेस, ये थी अपनी हरियाणा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा। त्रिपुरा तो हो गए। द फॉलोइंग पृथ्वीराज चौहान ओवर दिल्ली, पृथ्वीराज चौहान है, यही होगा पाला, क्योंकि ये तो बाद में आते सारे। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म। चलो देखते हैं, कॉस स्क्वायर 35। क्वेश्चन दे देते हैं यार ये लोग। कॉस स्क्वायर 35 प्लस कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 35, साइन स्क्वायर 35, साइन 35, ए ए स्क्वायर, वो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, वन हो जाएगा। वन प्लस 34 का कॉट, 1 + 1 2 हो जाएगा आंसर इसका, सिंपल है। टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब इज 1536 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम। टोटल सर्फेस एरिया 6a² इक्वल टू दे रखा है अपना को 1536, 6 × 12 3 रहा है, क्या है 1536 ना, 6 × 12 3 × 30 6 × 36 256, 256 16 का स्क्वायर होता है, 16 इसकी साइड आ गई, 1656 16 × 196 16 × 80 89 16 × 32 32 8 40 40 96 आ जाएगा, ठीक है। सर्टेन अमाउंट मनी बिकम स्टेपल ऑफ इट्स में 26 रहता है सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मनी। देखो सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो कितना ट्रिपल हो जा रहा है, मतलब ट्रिपल मतलब दो उसको सीआई मिला, पहले एक था, और कितना इंटरेस्ट 26 साल इंटर, वो रेट पता नहीं हमें, ठीक है। तो 2 13 100/13% आ गया, ठीक है। हाउ मनी बिकम 5 टाइम्स, तो 4 × 1 × ईयर × 100/13 4 × 4 = 13/100 13 साल 13, ठीक है, दिक्कत है यार, कुछ गलत हो गई मुझसे, गलत हो गया 5 टाइम्स, कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं। देखो सर्टेन मनी बिकम स्टेपल ऑफ इट सेल्फ इन, ट्रिपल हो गया सम, सम ट्रिपल हो गया, 2p = p × अच्छा 26, हाँ ठीक है, 26/100 × r 26 × 2 = 6 तो r = 100/13 13 हो गया, ठीक है। अब कितना हाउ मेनी 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, 4 = p × ईयर × कितना रेट है 100/13 13 × 52 52 साल हो जाएगा आई थिंक। मैंने यहाँ ये वाई से मतलब 4 समझ के काट दिया इसको, देखो यहाँ 100 से 100 वो कट जाएगा, 13 × 52 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 100 आएगा ना, 100 आता है, 100 से 100 करिए, 13 × 52, और ये वाई लिखा था मैंने ईयर का, मैंने 4 से 4 काट दिया था, ठीक है ठीक है, 52 साल हो जाएगा। ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ बाय 360 वी गेट 17 एज रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। तो इसमें रखता है अपना जो आपका जैसे डिवाइड कर रहा हूँ 17 से डिवाइड कर रहा हूँ इसमें, तो 17 को ही 11 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा 6, 6 आंसर है इसका। आपको मैं मतलब सॉल्यूशन वैसे करके बता दूंगा अगर आपको पूछना है तो, ठीक है। ए माइनस बी = 2 ए क्यू माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब 80 दे रखा है, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है 80 = ए माइनस बी 2, और इसको हम ऊपर वाले को स्क्वायर कर देंगे ए माइनस बी के स्क्वायर को, 2 × 2 = 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू आ जाएगा 4। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, कितनी आ गई 4 + 2ab 4 + 2ab और प्लस ए बी, ठीक है। अब ये हो जाएगा 40 = 4 + 3ab 4 - होगा 36, तो 3 से 3 = 3 3 × 6 = 12 आ जाएगा आंसर, प्लस का आएगा लेकिन ना, प्लस का ही आएगा, माइनस कैसे आ सकता है 1 / x² + a² = x² - a² मतलब एक्स क्वेश्चन दे दिया भाई इन्होंने, 1 / x² + a² = x² - a² तो इसको इधर भेज देंगे हम, तो ये बन जाएगा a - b a + b बन जाएगा, तो x² - a² = 1 आ जाएगा, तो x² = a² x = a बराबर हो गया दोनों, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। जहाँ भी कोई कोई दिक्कत हो ना बता देना, मैं आपको बता दूंगा करके, वो मैं इतनी जगह इसकी छोड़ रहा हूँ तो अभी आपको दिख सके ठीक से। द एवरेज ऑफ हाई रेट्स ऑफ शेयर, एक बार मैं देख लूँगा रिकॉर्डिंग चल भी रही है कहीं, मैं काम हो जाए मेरा, चल रही है यार। द एवरेज ऑफ द हाई रेट्स ऑफ द शेयर इन ऑल 4 स्टॉक एक्सचेंज फॉर कोलगेट इज, कोलगेट को लिखा क्या है,
एवरेज ऑफ हाई रेट्स ऑफ द शेयर इन ऑल फोर स्टॉक एक्सचेंज फॉर कोलगेट, कोलगेट 34, 60, 25, 20, और 12 और 16, 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये आ जाएगा पहला, ठीक है ना। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर 5/3 किलोमीटर इफ द फाउंडर द बोट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज टू रो अप देन डाउन। स्पीड ऑफ द टाइम का रेशियो क्या आ रहा है, टाइम थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन, तो नीचे या तो उसको 3 टाइम लग रहा है, आ तो एक लग रहा है, ठीक है ना। तो और डिस्टेंस सेम रह रही है, सेम डिस्टेंस रह रही है, तो डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का रेशियो क्या रहेगा, 1:3, ठीक है ना। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज स्टिल वाटर स्पीड, ये अपनी वन किस की है, x माइनस वाई और ये x+y, ठीक है। वन स्पीड में रिवर्स सिस्टम, ये तो यार दिक्कत दे आता है कभी कभी यार, क्वेश्चन बाद में करता हूँ इसको, कोई नहीं। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच वन डिवाइड बाई 7, 9, 11 लीव द सेमीमीटर 3 इंच के इज, सर लार्जेस्ट पूछा है ना, तो अपना 9 ये वाला देख लो, 11 से कट रहा है, 11 99, 0 0 0 2 3 बच रहा है इसमें 3, ठीक है 9 से कर लो इसको, 9 1 9 9 9 9 72 72 7, तो ये 9 से भी कट रहा है, 7 1 7 7 28, 3 4, तो ये वाला आंसर हो जाएगा सिंपल, इसको डिवाइड कर देख लो, रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो यही आंसर है, सबसे बढ़िया आंसर है। इफ द रेशियो वैल्यू ऑफ टू सिमिलर रेशियो इन द वाटर द रेशियो ऑफ द करेस्पोंडिंग साइड, अंडर रूट का वो रहेगा 3 का 4 आ जाएगा ना, यहाँ पे ये वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो एक्स अपनी साइड है, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एरिया अपॉन इसका स्क्वायर बराबर ए अपॉन बी रहता है, अब यही रूट में है तो ये तो और अंदर चला जाएगा ना, 4 हो जाएगा, ठीक है ये वाला आंसर है। द पाई चार्ट द टोटल सेल, पर यहाँ देख लो है कितनी सेल, 2160 है, ठीक है पूरे की, तो मतलब 360 डिग्री की 2160 है, 6 36 6 का क्यूब आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 6 स्क्वायर बचेगा, ठीक है सर, ठीक है 36 स्क्वायर 36 बचेगा, एक डिग्री वैल्यू 36 आ गई, ठीक है। अब मैं जो निकालना निकाल लूँ, तो छोटा सा पी आर, पी का कितना है 26, आर का कितना है 12 और एस 70, 7 8 9 10, 108 × 36 ये निकालना है। द टोटल सेल हाउ मच परसेंट लेस देन टोटल सेल ऑफ क्यू टी यू, क्यू 150, टी 37 और यू 15 12 5 3 8 9 10 11 202, इसकी 202, इसकी 108, कितने का फर्क आ रहा है, डिफरेंस कितने का है, 108 × 36, 202 × 36, तो सो कमन आ गया इंटू 4 9 9 94 अपॉन एक कितना टोटल 36 202 × 36 × 100 ही रहेगा ना शायद, 36 क्या 2 2 4 2 14 247 2 2 14 कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे यार, आई थिंक 46 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि देखो 101 से काटूंगा तो 0 पॉइंट समझ में आएगा, तो 40.53 आ जाएगा। चलो देखते हैं, मैं ऐसे ही कर लिया, मैंने मतलब ज़्यादा करा नहीं, दिमाग ही लगाया मैंने, कर दिया ठीक है, प्रॉक्स वाला सीन। अब 1 cos theta 1 - cos theta + 1 - cos theta 1 + cos theta इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा cos theta कितना रखकर देख सकते हैं, माइनस कॉस्टीटा स्क्वायर करेंगे अंदर, 1 - 1 + cos theta से 1 + cos theta का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 + cos theta अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1 - cos theta अपॉन 1 + cos theta - sin theta, ये बन जाएगा, तो 1 + cos से cos गया 2 अपॉन साइन थीटा, 2 cos से थीटा आ जाएगा आंसर, ठीक है।
ठीक है। अब मैंने कैसे किया देख लो, जो अंडर रूट में देखा ना, इसको रेशनलाइज करना होगा। अब नीचे वन माइनस कॉस थीटा है पहले वाले में, तो इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस कॉस थीटा से दोनों तरफ, तो ऊपर वन प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बन जाएगा, तो एक बाहर निकाल लेंगे वन प्लस कॉस थीटा, और नीचे बन जाएगा सेवन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा होता है, वहाँ से साइन बाहर आ जाएगा, तो दोनों तरफ से ऐसे आ जाएगा, तो टू अपॉन कॉ टू कॉस टू अपॉन साइन थीटा बनेगा, जो कि हम टू कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ए एंड बी इन ऑल द सिक्स सब्जेक्ट। अरे बाप रे, डिफरेंस निकालना है। अच्छा ठीक है, तो पहले में कितना डिफरेंस है 90 का, दूसरे में कितना डिफरेंस है 24 दुनी 48 60 24 दुनी 180 का डिफरेंस है ना, 80 का डिफरेंस आई थिंक। तीसरे में कितना 30 का डिफरेंस है, चौथे में कितने का डिफरेंस है 90 का डिफरेंस है, पाँचवें में 6 70 210 का डिफरेंस है, पाँच में 330। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, ए ए से 90 और माइनस 180 माइनस 30 प्लस 90 माइनस 210 प्लस 210 ये कट गया, तो भाई 180 माइनस 30 का फ़र्क है, आई थिंक माइनस 30 का फ़र्क है ना। एक बार प्लस कर देख लूँ यार, मैं कहीं गलत करता हूँ, मैं देख लेता हूँ ना यार, गलत ना हो जाए कुछ। 180 18 जीरो आ जाएगा, 8 6 12 12 6 18 18 18 18 6 24 24 3 27 27 कर दो, तो हो गया गैरी 3 5 5 3 8 8 3 11 11 11 3 14 14 17 इसके आ गया, 0 9 11 11 9 20 20 21 7 28 28 29 कर दो, 3 11 3 7 7 3 10 12 14 15 1500 30 का ही फर्क। हाँ ठीक है, वही कंफर्म करा था। कॉन्ग्रेंट स्पेक्ट्री, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, इफ ए बी इक्वल्स टू 6 डी ई इक्वल्स टू, अच्छा ठीक है ये भी 6 है, और बी सी इक्वल्स टू 8 तो ये भी 8 है, नहीं नहीं ई एफ 8 है, हाँ डी ई एफ, ठीक है ठीक है, एंड बी इक्वल्स टू 30 एम बी इक्वल्स टू, मतलब क्या हो गया 30 है, देन एम डी प्लस एम सी, ये एंगल और ये एंगल बताना है कितना है, ये 30 है, ये 6 8 6 8 10, तो ये 10 राइट एंगल ट्राइंगल हो गया आई थिंक, ये 6 8 10 6 8 10, तो ये 90 ये 30 है 6 8 10, तो ये 30 है, नहीं नहीं 30 कैसे है, बी 30 है ना, अच्छा हाँ, तो देखिए एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल है, तो 30 बचा, तो कितना बचा 150 बचा, सिंपल आंसर है। क्या कर रहा था अभी यार, खिलर क्या सोच रहा था जरा से इस क्वेश्चन के लिए, वही माइंड में क्लिक नहीं करता इतनी जल्दी जल्दी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन 60% मार्क्स एंड अबव इन ऑल सब्जेक्ट इज, इंग्लिश में 100 से 75 मतलब 75% लाया है, मार्क्स एंड अबव इन ऑल सब्जेक्ट, इन ऑल सब्जेक्ट तीन छः आठ छः 14 14 प्लस 16 16 8 16 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 नंबर लाया कितने में से 500 में से, नहीं 600 में से, 6 6 36, वो तो ये मतलब पहला तो ले आया 80 80, तो 60 60 60 60 60 कितने ज़्यादा हैं इसमें, 60 22 ज़्यादा हैं, 5 6 7 7 6 13 13 7 13 4 13 13 13 4 17 17 5 22 22 24 का दो गया, 6 7 8 5 13 13 3 16 16 7 16 16 7 23 23 8 31 31 8 39 6 6 36, ये भी लाया 65 5 8 5 13 13 3 16
16 17 18 17 17 और 8 25 25 और 5 30 करी 3 करी 7 16 16 6 22 22 6 28 28 5 33 33 और 6 33 और 6 39 ये भी लाया है 84 सभी लाए लग रहा है। तो यार लाया कौन सा नहीं 6% 8% ये भी 60% ऊपर लाया, ये भी 60% ऊपर लाया, ये भी 60% से ऊपर लाया, 82 86 74 76 52 65 76 78 79 80 84 16 25 28 29 30 36 36 46 47 48 49 50 सभी तो लाए यार, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? मैं देता हूँ छोड़ो। इफ एन एंगल बहुत देर लगा दी मैंने इस पर क्वेश्चन में, पता नहीं क्यों लगा दी मैंने। इफ एन एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 35 35 तो ये बचा कितना बचा 55 55 और 90। क्या क्वेश्चन दिया भाई इन्होंने, डिस्टोन इन साइड बॉर्डर नंबर लॉ ऑन द अप्लाई बट यूजेस ऑन द देख 1000 की जगह कितना कम दे रहा है 22% 220 कम दे रहा है ठीक 1000 पे तो 780 दे रहा है और 11% लॉस बता रहा है मतलब ऑन कॉस्ट प्राइस 11% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। मान लो 1 रुपये का कॉस्ट प्राइस 1 है तो 780 1000 का कितना है 1000 है और लॉस कितना 11% तो 11% 1000 का 110 का लॉस बता रहा है तो कितने का बेच रहा है 890 ठीक है और 780 का बेच रहा है वो सामान 890 सौ रुपये प्रॉफिट कितने का उसको 780 110 का प्रॉफिट है 890 780 पे 100 पे कितना उसका प्रॉफिट हो गया 78 3 0 8 4 32 4 14 आ जाएगा 14 का प्रॉफिट है ठीक है। ये मैंने कैसे निकाला देख लो बता देता हूँ एक बार आपको मैं जल्दी जल्दी। वो बोल रहा है कि मतलब उसने ना लॉस खाया मतलब मान लो आप 1 रुपये एक क्या नाम 1 ग्राम की सीपी 1 मान लो ठीक है तो 1000 ग्राम की सीपी 1000 रुपये हो गई ठीक है। अब वो कह रहा है 11% लॉस है तो मतलब 11% कितना हो गया 1000 का 110 तो लॉस बता रहा है तो मतलब वो 890 की बेच रहा है ठीक है और वो 22 ग्राम कम यूज़ कर रहा है तो मतलब 1000 का 22 ग्राम कितना हो गया 220 तो 220 कम कर रहा है तो मतलब 780 ग्राम ही दे रहा है। अब 780 ग्राम की सीपी कितनी होगी 780 रुपये और 890 की बेच रहा है तो 110 का प्रॉफिट 780 पे 100 पे कितने का ठीक है ऐसे निकाल लोगे आप। शॉपकीपर्स अर्न्स 10% ऑन इन्वेस्टमेंट बट लूज ऑन इन्वेस्टमेंट द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2:3 ठीक है। देन मान लो 200 ने यहाँ लगाए 300 यहाँ लगाए अब 200 बस प्रॉफिट हो रहा है 10% का तो 220 और 300 पर लॉस हो रहा है 20% हाँ 300 पर लॉस हो रहा है 20% का 60 का तो 60 का 240 कंबाइंड लॉस परसेंटेज तो 220 240 460 यहाँ हो गए 2 3 5 तो 40 का लॉस 500 पे 5 6 40 8% का लॉस है उसका ठीक है। अब ये देख लो द वैल्यू ऑफ 100 स्क्वायर प्लस माइनस 99 स्क्वायर प्लस तो इसको आप कैसे करोगे 100 ये स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है इसको तो 100 प्लस 98 लिखोगे एक बार और 100 माइनस 98 99 सॉरी 99 ठीक है तो एक बार तो 1 बचेगा तो बचेगा 100 प्लस 99 और ऐसे प्लस करके मतलब पूरा चल जाएगा कहाँ तक 21 तक चले जाएगा ठीक है सिंपल। तो देख लो कितना प्लस हो रहा है कितना आ रहा है तो इसका पहले का देख लो आप कितना हो रहा है फर्स्ट टर्म कितनी है टोटल कितनी है 80 टर्म हो गई ठीक है 21 से 100 तक निकाल लो कैसे निकालोगे इसमें से माइनस कर लो प्लस 1 कर लो आ जाएगा जो आएगा ठीक है 80 हो गई टर्म तो टोटल टर्म 80 80/2 एपी का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल पी और फर्स्ट टर्म हो गई 21 प्लस लास्ट टर्म 100 40 × 121 4 × 4 4 × 4 4 × 80 48 40 ये हो गई। अब सेकेंड वाले का भी ऐसे ही निकल जाएगा आई थिंक के स्क्वायर प्लस 1/k² के माइनस 1/k के 4 प्लस 1/k 4 प्लस के 4 ये आई थिंक थोड़ा वो लग रहा है मुझे बट मुझे तो ठीक ही लग रहा है क्योंकि ये ठीक होता है ये भी ठीक ही होता है आई थिंक कर देना बाद में देख लूँगा चलो छोड़ो।
अ कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड टू कंप्लीट अ वर्क इन 80 डेज एंड एम्प्लॉयड 60 मैन, तो 80 डेज इंटू 60 मैन, ठीक है, इतना वर्क हो गया टोटल एंड 20 मैन एडिशनली आफ्टर 20 मैन एम्प्लॉयड एट द बिगिनिंग एंड 20 मैन एडिशनली आफ्टर 20 देन गॉट द वर्क कंप्लीट एज पर शेड्यूल इफ यू हैड नॉट एम्प्लॉयड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो 80 इंटू अपना कितने पहले 80 दिन में काम करना है उसको 60 मैन के साथ, इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड एडिशनल मैन हाउ मेनी स्टडीज वुड हैव बीन डन, ठीक है, तो उसको 80 मैन टोटल काम कितना हो गया 80 इंटू सॉरी 60 इंटू 20 60 इंटू 20 प्लस 80 इंटू 60 टोटल काम हो गया 1200 प्लस 848 6000 काम हो गया। अब वो कह रहा अगर वो किसी को जोड़ता ही नहीं, ठीक है, टोटल काम इतना रहता तो 20 दिन एक्स्ट्रा लगते उसको आई थिंक जितना मुझे लग रहा है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब इज 4.2, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज लार्जेस्ट स्पेयर दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ क्यूब, तो जो स्पेयर होगा उसकी रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ, एच की हाफ, तो 2.1 का हो जाएगा, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 7.03 3/7 21 कर दिया, 4 × 8 तो 0.3 इंटू 0.7 इंटू 2.1 ये आ जाएगा, 7 × 21 8 × 8 लास्ट में 8 रहेगा, यहाँ भी रहेगा क्योंकि देखो 7 × 7 7 × 21 8 × 8 तो ये वाला आंसर आ जाएगा, इसमें ही 8 है और किसी में 8 नहीं है, ठीक है मेरे ख्याल से। अ ट्रेड्समैन मार्क इज गुड 25 विद द कॉस्ट प्राइस इफ ही अलाउज हिज कमिटमेंट टू रिटर्न मार्क हाउ मच प्रॉफिट, इसमें सिंपल क्या रहता है, 100 मान लिया करो आप सीपी, 100 पे उतने कितने पे 20% अबव कर रहा है, ठीक है, तो 120 की मांग कर रहा है, अब कह रहा है 20% डिस्काउंट दूंगा, 120 पे कितने 20% डिस्काउंट दे रहा, मतलब 4/5 की बची हो, 5 × 2 = 10 5 × 4 = 20 4 × 4 = 96 96 की बेच रहा है, तो कितने का लॉस हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, नहीं हाँ साइन एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, कुछ बन रहा है इससे नहीं बन रहा ना आई थिंक, तो और कुछ देखते हैं करके, कॉस एक्स अपना कितना बनता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन सॉरी कॉस एक्स, ठीक है कॉस एक्स साइन एक्स ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे बन जाएगा 2 sin cos x मतलब sin 2x, ऊपर cos x cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब cos x प्लस 1 माइनस कुछ तो बन नहीं रहा, हाँ इसको हम उसमें कर लेंगे ना, हाँ सॉरी ये बन जाएगा cos 2x की वैल्यू बन जाएगी cos 2x अपॉन sin 2x, तो हाफ ये आ जाएगा आई थिंक cot 2x की वैल्यू 2, हाँ देख देख cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना हो जाएगा sin x cos x, 2 से ऊपर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, ठीक है, तो नीचे बन जाएगा कितने का 2 sin x ओ sin 2 a x का वो बन जाएगा नीचे फॉर्मूला, ऊपर किसका बन जाएगा cos x स्क्वायर 1 माइनस cos 2x 2 cos 2x अपॉन साइन टू एक्स टू कॉट एक्स हाँ ये बन जाएगा 2 cot 2x, ठीक है समझ गया। वेरीज राइटली एज द पॉजिटिव स्क्वायर, ठीक है, मतलब ये कॉन्स्टेंट वाला है ए, अब कॉन्स्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन बोला तो हम इक्वल लगा के कॉन्स्टेंट लगाए थे, ठीक है, के मान लिया करो और डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो बी का स्क्वायर रूट अपॉन इनवर्सली क्यूब ऑफ सी, सी का क्यूब, ठीक है, कह रहा है ए कितना है 15 है, के इंटू बी 27 है, 27 मतलब 3 √3 आ जाएगा, 3 होते हैं 27, ठीक है, अपॉन में सी कितना है 2 × 4 = 8, ठीक है, 3 × 5 = 15 40/√3 आ गई के की वैल्यू, अब रख दो क्या है बी निकालना है जब ए अपना 9 हो, 9 = 40/√3 इंटू बी निकालना है, सी कितना है 2 × 8, ठीक है ना,
और यहाँ तो वही आएगा ना। ठीक है, 8 5 40 और 9 √3 अपॉन 5। जुड़ा तो नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ गलत ही कर रहा हूँ लग रहा है, पता नहीं मैं क्यों। 9 बराबर k कितना है अपना, 40 अपॉन √3 इंटू √b अपॉन सी का क्यूब, 2 × 2 = 8, 8 5 = 40, 9 अपॉन 5 इंटू √3 टू √b आ रहा है, b निकालना है हमें तो इसका कर दो 81 इंटू 3 अपॉन 25 25। हाँ, 3 × 3 = 24, 243/25 ही आ रहा है। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ 5 मैन डिक्रीज बाय 3 किलोग्राम व्हेन वन ऑफ देम वेटिंग इज रिप्लेस बाय अनदर मैन। तो 5 मैन का डिक्रीज हो रहा है 3 किलो जब एक उनमें से 150 किलोग्राम रिप्लेस कर दे रहा है। अब 150 किलोग्राम का वो कितना कम हो रहा है, 3 किलो कम हो रहा है, टोटल कितना कम हो जाएगा, 15 कम हो जाएगा, 15 कम हो जाएगा ना। तो 15 किलोग्राम कम वाला बंदा आया होगा, 150 से 135 वाला आया होगा, 135 वाला आया होगा ना, तभी तो क्या हुआ कन्वर्ट हो गया आई थिंक सो। या फिर आप ऐसे कर लो, करें मैं 150 फाइव मैन का डिक्रीज हो गया 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर यहाँ से 135 ही आएगा। सही है, अच्छा मैथ हो गई पूरी, क्या दो क्वेश्चन है क्या मेरे जनरल इंटेलिजेंसी 17, ये वाला देखता हूँ एक बार। 17:4607:11 जो भी आ रहा है, और यहाँ कितना है, 23:11615 5 सुनिए 34 12 इधर आए 170 179 बन रहा है, 3 7 3 10 दो 23 23 5 115 0 3 115 5 5 10 5 5 आ रहा, 3 2 5 7 8 इसे फिर कट रहा है क्या, 17 102 नहीं कटेगा इस तरह से, 11 1 11 4 3 4 3 तो ये बन रहा है। तो ये इन दोनों से कौन सा बनेगा यार, 5 से 5 का क्यूब कितना होता, 289 तो नहीं होगा, हो सकता है यार, मुझे डाउट लग रहा है इसमें, कोई नहीं। रेस ट्रैक कोर्ट में रेसलिंग होती है, कोर्स में एक्सरसाइज होती है, यही कर देता हूँ। इसका क्या था, देर आर सम मंकीज, सम मंकीज, इसमें ही डाउट लग रहा है, ऑन द रूफ, एट द रूफ, ऑन द रूफ, डू मिनट ट्रैक है, इम्पीड इम्पीड फ्रॉम द फाइट हिंडर, इम्पीड हिंडर हो सकता है आई थिंक, कर लेता हूँ कोई नहीं, इसको तो कर ही दिया मैंने, दो क्वेश्चन रह गए, चलो कोई नहीं मैं सबमिट कर देता हूँ, 2 मिनट रह गए, इसका देख लेता हूँ एक बार, कुछ ना कुछ कर ही देता हूँ, रानी छोड़ इसको, उज्ज्वला कुसुम, कुसुम ही होगा, नहीं नहीं उम्मीद उज्ज्वला, चलो सबमिट ही कर देता हूँ, 2 मिनट रह गए मेरे, बट कर दे रहा हूँ कोई नहीं, देखते हैं क्या रहता है, सबमिट टेस्ट 139 स्कोर रहा मेरा, कम तो रहा है भाई, अच्छा कम, इसमें क्वेश्चन गलत भी होगा मेरे मैथ्स, और उसमें वो मैंने जल्दी में किया इसलिए कहा गलत होगा पक्का मेरे मैथ्स में, तो मैंने बिना ऑप्शन के कर दिया ना, इसमें ए नहीं आया, ऐसा कैसे हो गया, तो मैंने भी तो ऐसे ही किया था, ओ ओ है, मैंने इसमें ए काट दिया था क्या, यहाँ पर मेरा ए उधर गया था, तो मैंने क्या करा उसका, इतना तो मैंने भी किया था, प्लस ए फोर्थ में एक वन का चला गया था मेरा, ख़त्म कर दिया था क्या मैंने,
अरे यार मल्टीप्लाई कर दिया, समझा, मैंने सोचा मल्टीप्लाई। ओह देखो यहाँ गलत कर दिया मैंने, फालतू में यहाँ पे इतना मैंने किया तुम्हारे सामने, दिखा हुआ तुमने, बट मैंने इसको समझा मल्टीप्लाई कर दिया आई थिंक मैंने इसको, शायद जो भी किया पता नहीं क्या दिमाग लगा लिया, ये वाला गलत था। देखा फर्स्ट तो ठीक है, इतना तो कन्फर्म, मैंने देखा नहीं इसको तो लगा दिया मैंने सेकंड वाला। इसका के प्लस वन, के माइनस वन। अच्छा इसको इसको यहाँ ले लिया एक तरफ इन्होंने, इसको इसको कहाँ ले लिया पता नहीं कहाँ ले लिया इसको। अच्छा अरे समझ गया, देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसका स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इसका स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलो कोई नहीं, इसमें ही गलत हो गया। ये देखो वही वाली बात है, स्टेडियम में एथलेटिक्स, एथलेटिक्स वो एथलीट पढ़ रहा था मैं शायद, ये गलत हो गया। इसमें इन दोनों में से कोई है, वो इन दोनों में से आई थिंक, कुछ और ना हो जाए। हाँ देखो तो ये हो कैसे रहा था, 289+17। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे बाप रे बड़ा तगड़ा लॉजिक है। चलो कोई नहीं, बाकी देख लो क्या क्या स्कोर रहा मेरा एक बार। कम तो रहा जो भी है, 45 इसमें रहा, 41 इसमें रहा, 38 इसमें रहा, इसमें 14.5। जी एस ही बढ़नी चाहिए मेरी बस, इंग्लिश में क्या गलत हो गया, वो चार गलत हो गए भाई। ओकेजन बट ऑल्सो हैज बिकम अ मैटर ऑफ ह्यूमरस कलीग, इसमें क्या गलत है, हरेसमेंट। अच्छा पॉसिबल ठीक है, ओके हरासमेंट, अच्छा डबल हरेसमेंट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये नहीं है तो कौन सा, इनसे ना उठी है, ठीक है। एनर्जेटिक, देखो मैं सब सही बोल रहा हूँ, सेकंड टाइम में, पहले टाइम में सब गलत हो रहा था, इसका ये होगा देखो। वही है भाई, पहली बार में सब गलत हो जाता है। सम मंकीज, ओके हाँ बोल रहा था वर मंकी, मतलब सॉरी मैं बोल रहा था यहाँ आ रहे हैं, यहाँ डेड है, कोई लॉजिक ही नहीं है। हाँ वर आना चाहिए था, ओके गलत कर दिया। इसका क्या सेकंड वाले का, अच्छा लगा दिया क्या मैंने, चलो कोई नहीं, अब मिलते हैं अगले मॉक में। और अगर आपको अगर ये पसंद आया हो ना ये चीज़ अपनी सॉल्यूशन वगैरह का, तो बता देना फिर मैं करूँगा, वरना नहीं करूँगा आगे से, ठीक है। क्योंकि मेरा कैमरा ऐसी है, वेब कैम है कोई, यार लेनोवो का पड़ा हुआ घर पे, उससे कर रहा हूँ, बाकी कोई और तरीका बताओ तो बताना मुझे, वैसे कर लूँगा मैं रिकॉर्ड इसको, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, ख्याल रखो और गुड लक।